नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का ये घरेलू उपाय आपके अनचाहे बालों को परमानेंटली निकालने के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है। दोस्तों, इसमें यूज करने वाली सामग्री सोडा, बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके अनचाहे बालों को परमानेंटली निकालने में बहुत काम करता है दोस्तों। ये आपके टांगों के बाल, अनचाहे अंडर आर्म्स के बाल या गुप्त जगहों के बाल पूरी तरीके से निकालने में बहुत कारगर है। चाहे बहुत मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल को पीछे के बाल हो चाहे आगे छाती के बाल हो चाहे अंडर आर्म्स के बाल हो, इन सभी जगह को निकालने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। फीमेल सबसे ध्यान से देखें कि ये का तरीका बहुत ही कारगर उनके लिए है, जिसके उपयोग से आप परमानेंटली अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए इस नुस्खे को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपको लेना क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं लेना है दोस्तों। इस प्रकार आपको एक चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मत लेना दोस्तों, बेकिंग सोडा आप एक चम्मच के आसपास एक बाउल के अंदर डाल दीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें दूसरी सामग्री। जी हाँ दोस्तों, दूसरी सामग्री है फिटकरी। फिटकरी आपको कोई भी किराना शॉप में बहुत जल्दी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है दोस्तों, फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, घर में फिटकरी का पाउडर आपने देखा होगा मेरे दूसरे वीडियो में किस प्रकार मैंने बनाया है, इसी प्रकार फिटकरी का पाउडर आपको बना लेना है दोस्तों। उसको लेना है, उसकी मात्रा करीबन होनी चाहिए हाफ स्पून से थोड़ा ज़्यादा दोस्तों, हाफ स्पून से थोड़ा ज़्यादा। इसको पहले आप थोड़ा मिक्स कर लीजिए। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कब कब करना है हम बताएंगे आप। अब इसमें मिक्स करना है आपको पानी, ठंडा पानी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठंडा पानी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये झाग निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से 3 स्पून के लगभग आपने ये झाग का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब तक झाग रहेगा आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है एक साफ सुथरा कॉटन का बाउल, कॉटन लेना है दोस्त, एक साफ सुथरा आपको कॉटन लेना है। लेडीज कृपया करके ध्यान से देखें इसका तरीका कैसा इस्तेमाल करना है। जब तक ये झाग रहेगा तब तक आप इस्तेमाल ना करें, हल्का सा झाग खत्म है आप दोस्तों लगभग। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सादे पानी का इस्तेमाल करना, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना इस नुस्खे में। इस प्रकार कॉटन बाल को डीप करके अनचाहे बालों को आप कैंची से ट्रिम कर लेना सबसे पहले, और इस प्रकार आप इसको करीबन 5 मिनट तक रब कीजिए दोस्तों। इस प्रकार से करके अनचाहे अंडर आर्म्स के जगह पे आप इस प्रकार कर सकते हैं। अगर लेडीज अपने गालों पे कर रहे हैं तो इसे करीबन ऐसे लगा के दोस्तों, फीमेल सबसे ज्यादा ध्यान दे इस चीज पे, इस प्रकार लगा के एक कॉटन का कापूस करीबन इस प्रकार से आप रख दीजिए दोस्तों। ये 5 मिनट तक इस प्रकार रखिए, और उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल, अनचाहे बाल निकल जाएंगे दोस्तों। ये फीमेल के लिए खास करके प्रक्रिया थी, और आपके टांगों के बालों को अगर हमेशा के लिए परमानेंटली गायब करना है, इस प्रकार रख के आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, या 2 से 3 घंटे तक आप रखिए, इस प्रकार आपके अनचाहे बाल परमानेंटली निकल जाएंगे दोस्तों। इसे आप डेली करना है, जब तक आपके अनचाहे बाल परमानेंटली खत्म ना हो जाए। इस प्रक्रिया को आप डेली करते रहेंगे, आपके अनचाहे बाल पूरी तरीके से खत्म हो जाए, 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।